हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 14 ऑफ योर सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. माई सेल्फ प्रोफेसर दीपाली जैन. सो दिस इज़ द लेक्चर 3 ऑफ योर यूनिट 2 ऑफ योर सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज़ द मॉड्यूल वेटेज ऑफ 15% एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज प्रोसेस एंड थ्रेड मैनेजमेंट. ओके, सो लेट सी द सिलेबस फर्स्ट सो यू विल अंडरस्टैंड दिस सेक्शन. हाउ दिस सेक्शन is divided in your GTU syllabus as per the GTU syllabus. So the name of the unit is process and thread management. So you will see कि यहाँ पर इसका यूनिट का नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यूनिट के अंदर दो सेक्शन तो हो गए होंगे ही, पर बेसिकली ये यूनिट आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट है इसका प्रोसेस, जो कि आपका अब तक का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, द पार्ट 1 of unit 2. And the second part of this unit is threads. Okay, इसके अंदर ये आपको टॉपिक बहुत शॉर्ट दिख रहा है, लेकिन दिस टॉपिक हैज़ लॉट्स ऑफ सब टॉपिक्स एंड दैट विल ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज वेल एज कम इन द GTU एग्जाम ऑल्सो. सो आई विल कवर ऑल द सब टॉपिक्स ऑफ थ्रेड. एंड जो थर्ड पार्ट है इस यूनिट 2 का, वो है शेड्यूलिंग, CPU शेड्यूलिंग, राइट. तो ये सारी शेड्यूलिंग्स जो है वो आपको इसके अंदर टाइप्स के अंदर पढ़ने को मिलेगी. टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये जो इसकी शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स दिख रही है, वो सारी आपको इसके पार्ट 3 के अंदर पढ़ने को, स्टडी करने को मिलेगी. ओके, तो आपका पार्ट 1 प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. नाउ टुडे आई विल स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ योर यूनिट 2, दैट इज थ्रेड एंड इट्स स्ट्रक्चर. सो लेट सी द आउटलाइन ऑफ योर लेक्चर 3 ऑफ यूनिट 2, पार्ट 2, threads and its types in operating system. The topics of this thread, the subtopics are basically thread introduction and thread structure, and the thread structure with the single process P with single thread, as well as the single process P with the multiple threads, right. The next topic will be the difference between the process and thread, and the next one is similarities between the process and thread, and the last topic of this today's lecture is advantages of thread. This is the half section of your part 2 threads. Remaining half section or subtopics of threads will cover in the lecture 15, in the next lecture. So let's see the threads and its types in operating system. So here I mentioned how these topics, contents or questions will come in GTU exam. You will see here there are two types of questions here. What is thread? Explain thread structure and explain any one type of thread in details. This exam, this question was asked in GTU exam as in 7 marks, right? And the second question is define and differentiate process and thread. This question was asked in 4 marks in your GTU exam. So both questions are very important, or this will cover almost the half section of your topic thread, right? So let's see the answer, and later I will explain how you can write the answer in GTU exam. Okay, so first is thread. What is thread? Basically, the thread is a single sequence stream within a process. तो आपको जैसे पता है real life में thread means क्या होता है, धागा, right? तो बहुत ही पतला होता है धागा, right? तो वैसे अगर हम real life की जो ये चीज है धागा यानी कि thread, अगर इसको connect करें process के concept के साथ में, तो क्या है कि process जैसे हो गया बहुत बड़ा heavy weight thing, right? High task, right? थ्रेड उसका क्या होता है, पार्ट होता है. यानी कि प्रोसेस अगर मेन आपकी फाइल है, तो थ्रेड्स क्या होंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट्स और टास्क हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी मेंशन किया है जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि प्रोसेस का पार्ट होता है थ्रेड, तो आप इस पूरी थ्योरी को अच्छे से समझ भी पाओगे और लिख भी पाओगे एज वेल एज इन योर GTU एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू क्रिएट ए वर्ड फाइल, अगर आप क्या बनाते हो, एक वर्ड की फाइल बनाते हो, दैट इज प्रोसेस. तो वो क्या होगा, प्रोसेस, राइट.
एंड इन दैट फाइल यू डू स्पेल चेकिंग. अपन स्पेल चेकिंग करते हैं और ऑटो करेक्ट का यूज़ करते हैं, एज वेल एज हम कलरिंग करते हैं, राइट, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं. तो ये सब क्या होता है, दैट इज थ्रेड, वो प्रोसेस का पार्ट है. यानी कि आपकी मेन वर्ड फाइल क्या हो गई, प्रोसेस, और उसके अंदर होने वाले छोटे छोटे टास्क क्या हो गए, थ्रेड्स. तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक थ्रेड जो है वो किसका पार्ट होता है, प्रोसेस का. प्रोसेस को किससे शो करते हैं, सर्कल से. इसके अंदर हम लिखें तो P1, P0, P2, तो प्रोसेस को शो करते हैं किससे, सर्कल से. और थ्रेड्स यहाँ पर आपको दो दिख रहे होंगे डायग्राम के अंदर, थ्रेड -1, थ्रेड -2. तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस. तो बहुत ही थिन थिन टास्क होते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नेम क्या रखा गया है, थ्रेड. ओके, सो थ्रेड इज ए सिंगल सिक्वेंस स्ट्रीम विद इन ए प्रोसेस. प्रोसेसेस आर यूज टू एग्जीक्यूट लार्ज हैवी वेट जॉब्स. जो बड़ी बड़ी जॉब्स है, हैवी वेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस टर्म को इस तरीके से रखा गया है कि जो लार्ज जॉब्स है, हैवी वेट यानी कि जिसके अंदर बहुत सारा टास्क होता है, हाई लेवल का टास्क होता है, तो उसको कंप्लीटली जॉब को अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेस. सच एज वर्किंग इन वर्ड फाइल. वाइल थ्रेड्स आर यूज टू कैरी आउट स्मॉलर और लाइट वेट जॉब्स. तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ड फाइल है तो उसको बोलोगे प्रोसेस, और अगर आप उसके अंदर स्पेल चेक का टास्क परफॉर्म करते हो तो उसको हम बोलेंगे लाइट वेट जॉब, और वो क्या होगा, थ्रेड्स. सच एज ऑटो सेविंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट. अगर आप ऑटो सेविंग का टास्क परफॉर्म करते हो तो वो भी किस में आएगा, थ्रेड्स में. यानी कि प्रोसेस ने अपने काम को ईजी करने के लिए, अपने टास्क को ईजी करने के लिए अपना जो सेक्शन है सब डिवाइड किस में कर दिया, थ्रेड्स के अंदर कर दिया, ताकि उसका काम जो हो ऑन टाइम परफॉर्म हो. और हर छोटे छोटे टास्क के लिए क्या बनाए जाते थे, थ्रेड्स बने हुए थे जो प्रोसेस के काम को कंप्लीट करके देते थे. तो जॉब खुद में जो अगर हाई हैवी जॉब है आपका वर्ड फाइल क्रिएट करने का, तो वो बन गया प्रोसेस. और उसके अंदर जो छोटे छोटे टास्क हम करते हैं परफॉर्म, जैसे स्पेल चेक करते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो ये सब किसके अंदर कवर होते हैं, थ्रेड्स के अंदर होते हैं. थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस क्रिएटेड बाय ए प्रोसेस. तो लाइट वेट प्रोसेस होते हैं थ्रेड्स, और हैवी वेट्स होते हैं खुद मेन प्रोसेस के अंदर आते हैं. एग्जाम्पल, यू क्रिएट ए वर्ड फाइल, दैट इज प्रोसेस, एंड इन दैट फाइल यू डू स्पेल चेकिंग एक्सेट्रा, दैट इज थ्रेड. तो आपको यहाँ पर टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक प्रोसेस है और उसके अंदर क्या बने हुए, थ्रेड्स. तो यहाँ पर फिगर जो है आपको थ्रेड का स्ट्रक्चर सेकेंड पॉइंट के अंदर मेंशन करके बनाना है. थ्रेड्स इज ए सिंगल सिक्वेंस स्ट्रीम विद इन ए प्रोसेस. एक प्रोसेस के अंदर क्या होती है, सिंगल सिक्वेंस ऑफ स्ट्रीम्स होती है, सिंगल सिक्वेंस ऑफ स्ट्रीम्स होती है. तो ये क्या है, सिंगल सिक्वेंस ऑफ स्ट्रीम्स है. ओके, तो अपना प्रोसेस ने अपना टास्क इजी कर दिया था विद द हेल्प ऑफ थ्रेड कॉन्सेप्ट, राइट. सो इन थर्ड पॉइंट यू नीड टू राइट थ्रेड हैज इट्स ऑन. तो खुद का उसके पास में क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक आपको सिंगल प्रोसेस पी दिखाया है विथ सिंगल थ्रेड. तो एक सिंगल थ्रेड जो है वो क्या क्या चीज़ों को कैरी करता है, क्या क्या चीज़ों को स्टोर करके देता है, वो यहाँ पर शो है. पहले इसके कंटेंट को समझेंगे, फिर मैं आपको ये डायग्राम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, राइट. PC प्रोग्राम काउंटर होता है, उसमें यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रोग्राम काउंटर, देन रजिस्टर, देन नेक्स्ट वन इज स्टैक. ओके, सो थ्रेड हैज इट्स ओन PC, आई मीन प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ विच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट. कौन सा इंस्ट्रक्शन आपको नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है, उसको उसके ट्रैक को कौन रखता है, प्रोग्राम काउंटर, राइट. नेक्स्ट आता है रजिस्टर. सिस्टम रजिस्टर्स विच होल्ड इट्स करंट वर्किंग वेरिएबल. जो सिस्टम के रजिस्टर्स होते हैं वो वेरिएबल क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, जो करंट में वर्क कर रहे हैं उसको स्टोर करते हैं. दिस आर द हार्डवेयर पार्ट्स एक्चुअली. थर्ड वन इज स्टैक. स्टैक विच कंटेन्स द एग्जीक्यूशन
हिस्ट्री। तो इस टैग के अंदर पूरी क्या होती है, हिस्ट्री होती है। तो अब आपको पता चला होगा कि एक थ्रेड के अंदर तीन चीज़ें होती है, कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वन इज प्रोग्राम काउंटर, सेकेंड वन इज रजिस्टर एंड द थर्ड वन इज स्टैक। ओके, सो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम द सिंगल प्रोसेस पी विथ द सिंगल थ्रेड, सिंगल थ्रेड एंड सिंगल प्रोसेस पी। दिस इज द होल सेक्शन इज नोन एज प्रोसेस एंड दिस एंटायर सेक्शन इनर साइड इज नोन एज द थ्रेड। ओके, सो इन जी टी यू यू नीड टू राइट ऑन नंबर वन एज थ्रेड, इट्स इंट्रोडक्शन सेक्शन। ऑन सेकेंड पॉइंट यू नीड टू मेक दिस फिगर द थ्रेड स्ट्रक्चर। ऑन द थर्ड पॉइंट यू नीड टू राइट ए थ्रेड हैज इट्स ऑन ऑल दीज थ्री पार्ट्स ऑफ थ्रेड्स, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एंड स्टैक। एंड ऑन द फोर्थ पॉइंट यू नीड टू मेक दिस फिगर सिंगल प्रोसेस पी विथ सिंगल थ्रेड। ओके, सो इन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस ऑन टॉपिक फाइव यू नीड टू मेक द फिगर सिंगल प्रोसेस पी विथ सिंगल थ्रेड एज यू हैव मैंशनड इन द प्रीवियस स्लाइड आई प्रिपेयर्ड, राइट। तो ये आप ऑलरेडी स्लाइड के अंदर देख चुके हो और बना चुके हो, तो आपको वो फिर से बनाना है। कंबाइंडली यहाँ पर दिखाया गया है एंड द सिंगल प्रोसेस पी विथ थ्री थ्रेड्स, यानी कि मल्टीपल थ्रेड्स के साथ में प्रोसेस पी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये पूरा जो आप बॉक्स बनाते हो उसको बोलते हैं प्रोसेस, राइट। उसके अंदर तीन थ्रेड्स हैं, ये आपका कोड है, ये आपका डेटा और फाइल्स है, राइट। फर्स्ट थ्रेड है उसका खुद का स्टैक काउंटर, प्रोग्राम काउंटर आई मीन, एंड द थर्ड वन इज रजिस्टर। यहाँ पर सेकंड थ्रेड है उसका स्टैक, उसका खुद का सेपरेट प्रोग्राम काउंटर एंड दी रजिस्टर। और यहाँ पर थर्ड थ्रेड जो आपको डायग्राम में दिख रहा है उसमें भी स्टैक है, प्रोग्राम काउंटर है एंड देन नेक्स्ट वन इज रजिस्टर। तो सिंगल प्रोसेस पी विथ सिंगल थ्रेड एंड द सिंगल प्रोसेस पी विथ द थ्री थ्रेड्स, राइट। तो आपको जी टी यू में एग्जाम में फिफ्थ नंबर पे ये डायग्राम बना करके आना है विथ द सिंगल थ्रेड और विथ द थ्री थ्रेड्स और सिंगल प्रोसेस पी, राइट। लेट्स सी ऑन द सिक्स्थ पॉइंट व्हाट यू नीड टू राइट इन द जी टी यू एग्जाम आंसर, डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड थ्रेड। जनरली दिस क्वेश्चन ऑल्सो आस्क सेपरेटली इन द एग्जाम, कि आपको अलग से ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड थ्रेड। तो टेबुलर फॉर्मेट में आपको ये आंसर लिख करके आना है। तो लेट सी द डिफरेंस। फर्स्ट वन इज प्रोसेस इज हैवी वेट और रिसोर्स इंटेंसिव, थ्रेड इज लाइट वेट टेकिंग लेजर रिसोर्सेज देन ए प्रोसेस, राइट। ये रिसोर्स इंटेंसिव होता है और ये लेजर रिसोर्सेज जो होते हैं उसको यूज करता है, ये हैवी वेट है और ये लाइट वेट है, राइट। सेकेंड डिफरेंस इज प्रोसेस स्विचिंग नीड्स इंट्रैक्शन विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर प्रोसेस में आप स्विचिंग करते हो, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर स्विच करते हो, तो आपको इंट्रैक्शन करना पड़ता है विथ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो। थ्रेड स्विचिंग डज नॉट नीड टू इंटरेक्ट विथ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर आप थ्रेड्स के अंदर स्विचिंग करते हो तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्रेड्स किसका पार्ट होता है, खुद प्रोसेस का होता है। तो अगर प्रोसेस में स्विचिंग हो रही है तो इंटरेक्शन किसके साथ कंपलसरी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, और अगर थ्रेड में स्विचिंग हो रही है तो इंटरेक्शन कोई कंपलसरी नहीं होगा, देर इज नो नीड टू इंटरेक्ट विथ द ऑपरेटिंग सिस्टम। द थर्ड डिफरेंस इज इन मल्टीपल प्रोसेसिंग एनवायरमेंट ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट द सेम कोड बट हैज़ इट्स ओन मेमोरी एंड फाइल रिसोर्सेज, कि हर एक प्रोसेस के पास में क्या होता है, खुद की मेमोरी होती है। और ऑल थ्रेड्स कैन शेयर सेम सेट ऑफ ओपन फाइल्स चाइल्ड प्रोसेसेस, तो इसमें शेयर करते हैं फाइल्स को, राइट। इफ वन प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, अगर आपका एक प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, देन नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट अनटिल द फर्स्ट प्रोसेस इज अनब्लॉक्ड, जब तक कि पहला प्रोसेस आपका जो कि ब्लॉक हुआ हुआ है अगर वो अनब्लॉक्ड नहीं हो जाता है, तब तक
नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट, अदर प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता है. व्हाइल वन थ्रेड इज ब्लॉक्ड एंड वेटिंग ए सेकेंड थ्रेड इन द सेम टास्क कैन रन. अगर एक थ्रेड आपका ब्लॉक हो जाता है और वेट करता है अनादर थ्रेड, तो वो सेम टास्क जो है वो रन कर सकता है. मल्टीपल प्रोसेसेस विदाउट यूजिंग थ्रेड्स यूज मोर रिसोर्सेस, ज़्यादा रिसोर्स यूज करते हैं, और मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेसेस यूज फ्यूअर रिसोर्सेस. तो इसमें ज़्यादा रिसोर्सेस यूज होते हैं विदाउट यूजिंग द थ्रेड, और इसमें प्रोसेसेस जो है वो फ्यूअर रिसोर्सेस यूज करते हैं. इन मल्टीपल प्रोसेसेस ईच प्रोसेस ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स. वन थ्रेड कैन रीड राइट और चेंज अनादर थ्रेड्स डेटा. तो इसमें वो एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के ऊपर रीड राइट और चेंज भी उसके डेटा को कर सकता है. तो दीज आर द बेसिकली सिक्स टाइप्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड थ्रेड्स यू नीड टू लर्न एंड राइट इन द GTU एग्जाम इन दिस टेबुलर फॉर्मेट. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो मेक द डायग्राम ऑफ प्रोसेस एंड द डायग्राम ऑफ थ्रेड टू शो द डिफरेंस बिटवीन बोथ. राइट, लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन दिस स्लाइड यू विल सी द सिमिलरिटीज बिटवीन द प्रोसेस एंड थ्रेड. उनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं. लाइक प्रोसेसेस, थ्रेड्स शेयर द CPU एंड ओनली वन थ्रेड इज रनिंग एट ए टाइम. तो उसमें प्रोसेस की तरह ही थ्रेड भी क्या करता है, CPU शेयर करता है. एक टाइम पे एक ही थ्रेड क्या होता है, रन होता है. लाइक प्रोसेसेस, थ्रेड्स विद इन ए प्रोसेस एग्जीक्यूट सिक्वेंशली. सब कुछ सिक्वेंस में परफॉर्म होता है क्यू के अंदर. राइट, लाइक प्रोसेसेस, थ्रेड कैन क्रिएट चिल्ड्रंस. थ्रेड्स अपने सब थ्रेड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोसेस क्रिएट करता है. लाइक ए ट्रेडिशनल प्रोसेस, ए थ्रेड कैन बी इन एनी वन ऑफ सेवरल इट्स स्टेट्स. जैसे प्रोसेस के आपने स्टेट्स पढ़ी थी मुझसे, 5 होती है और बेसिक 3 होती है, रेडी, रनिंग और वेटिंग, और वी कैन से ब्लॉक्ड. राइट, और इसमें भी थ्रेड्स के अंदर स्टेट्स होती है, क्योंकि आपको भी नेक्स्ट जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी तो यू विल सी द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड ऑल्सो. जैसे आपने प्रोसेस की लाइफ साइकिल मेरे से देखी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन की थी इन द प्रीवियस लेक्चर्स व्हेन आई एक्सप्लेन यू द प्रोसेस, एंड एज वेल एज यू विल सी द सेम लाइफ साइकिल फॉर द थ्रेड ऑल्सो. कि जैसे प्रोसेस की लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही क्या होता है, थ्रेड्स की भी लाइफ साइकिल्स होती है. तो वो आप अपने जब मैं नेक्स्ट लेक्चर एक्सप्लेन करूँगी तब आप देखोगे. तो इसमें भी सेवरल स्टेट्स होती है, लाइक रनिंग, ब्लॉक्ड, रेडी और टर्मिनेटेड. ओके, लाइक प्रोसेस, थ्रेड्स हैव प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, रजिस्टर्स एंड स्टेट. तो जैसे प्रोसेस के पास में भी क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, स्टैक होता है, रजिस्टर्स होते हैं, और उसकी स्टेट्स होती है, जो कि 5 स्टेट्स आपने पढ़ी थी, वैसे सेम किसके पास में होती है, थ्रेड्स के पास में भी होती है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड, यूज ऑफ थ्रेड्स प्रोवाइड कॉनकरेंसी विद इन ए प्रोसेस. एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू क्रिएट एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच थ्रेड. इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, थ्रेड्स के अंदर ईजी होती है. थ्रेड्स अलाउ यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर टू ए ग्रेटर स्केल एंड एफिशियंसी. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड, यू कैन राइट इन द GTU एग्जाम. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्रेड. फर्स्ट इज थ्रेड इंट्रोडक्शन सेक्शन, देन द फिगर और थ्रेड स्ट्रक्चर. एट द थर्ड पॉइंट यू हैव सीन थ्रेड्स 3 मेन पार्ट्स, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर एंड स्टैक, एंड वॉट दे आर डूइंग एक्चुअली इन थ्रेड्स, एंड ऑल्सो द फिगर. ऑन द फोर्थ पॉइंट यू नीड टू मेक इन GTU कि आपको फोर्थ नंबर पे क्या बनाना है GTU में, ये डायग्राम बना करके आना है. फिफ्थ नंबर पे आपको क्या बनाना है GTU के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग करके आपको दी है कि आपको आंसर की सीक्वेंस पता रहे, कि आपको एग्जाम में जब ये 7 मार्क्स का आंसर लिखना है तो आप किस सीक्वेंस के अंदर इस आंसर को मेंशन करके आओगे इन द GTU एग्जाम.
तो सिंगल प्रोसेस पी विथ सिंगल थ्रेड एंड विथ द थ्री थ्रेड्स. तो आप ये दोनों डायग्राम्स अच्छे से बनाकर क्या ना, और सेम डायग्राम में एक सिंगल थ्रेड का बनाना आता है तो आप कितने भी थ्रेड्स के साथ में डायग्राम को शो करके आ सकते हो प्रोसेस पी के साथ में. देन सिक्स नंबर पे आपको मेंशन करना है डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड थ्रेड, तो वो पूरा टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पर शो हुआ हुआ है. सेवन्थ नंबर पे आप राइट करोगे सिमिलरिटीज बिटवीन द प्रोसेस एंड थ्रेड, तो क्या क्या सिमिलरिटीज है, तो मैंने यहाँ पर 5 सिमिलरिटीज जो है वो शो की हुई है. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड, तो आपको यहाँ पर 4 एडवांटेजेस दिख रही होगी थ्रेड की, तो अगर आप पूरे टॉपिक और अच्छे से समझोगे तो यू कैन राइट योर सेल्फ द एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड ऑल्सो, राइट. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो GTU के 2 क्वेश्चन के जो मेनली पूछे गए अब तक सो मेनी टाइम्स, फर्स्ट इज व्हाट इज थ्रेड, एक्सप्लेन थ्रेड स्ट्रक्चर, तो इसमें आपने सिंगल प्रोसेस पी और तीन सिंगल प्रोसेस पी को मल्टीपल थ्रेड्स के साथ में शो किया, ये एक वाला स्ट्रक्चर भी बनाया, एंड एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ थ्रेड्स इन डिटेल. तो टाइप्स ऑफ थ्रेड्स जो है वो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे कि 2 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स होते हैं, कौन से होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस और एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन एंड डिफ्रेंशिएट प्रोसेस एंड थ्रेड, तो ये आपने मुझसे टेबुलर फॉर्मेट के अंदर इनके बीच का डिफरेंस, इवन यू हैव सीन द सिमिलरिटीज एंड एडवांटेजेस ऑफ द थ्रेड. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू, तो प्लीज़ कि आप लोग अगर अच्छे से इस सब्जेक्ट को लर्न करना चाहते हो तो हैंड रिटन नोट्स बनाओ. एक बार अगर आप समझने के बाद राइट डाउन करोगे तो आपको थिंग्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगी, एज वेल एज आपकी रिटन प्रैक्टिस भी होगी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.